हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने लगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए टिकटॉक का एक न्यू वीडियो फिर से लेकर आ गया हूं, जो कि अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं, और इस वीडियो को लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट नजर आ रहा है वो 3D टाइप में आ रहा है, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। तो इस तरह का आप नाम कैसे लिख सकते हैं लास्ट में, और साथ ही साथ वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पिक्सेल ऐप ऐप। इस ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। हम बस यहाँ पे इस ऐप से अपने नाम को कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी बहुत ही अच्छे स्टाइल में आप यहाँ पे इस ऐप से नाम को लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ऐप यूज़ कर रहे हैं। अब आपको नाम को लिखने के लिए आपको यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा है आपको इस पर डबल टैप करना है, और यहाँ पे आपको जैसे कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं खुद का अपना नाम लिख लेता हूँ, या फिर अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक फॉन्ट स्टाइल अच्छा सा दे देना है। इस ऐप की खास बात यही है कि इसमें आप अच्छे अच्छे फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। आपको इसे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी अच्छे अच्छे फॉन्ट स्टाइल आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, और जो भी आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं इसके अंदर। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला देता हूँ, बोस्टन ट्रैफिक वाला। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब मुझे इस टेक्स्ट में यहाँ पे आपको कलर देना होगा, तो यहाँ पे आपको कलर वाले पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे जो भी कलर पसंद आता है आप यहाँ पे वो कलर दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए को कोई और कलर दे दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ए है तो ए को आप हरा कर देते हैं इस तरीके से, यानी अलग अलग कलर भी आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं। आप जैसे कि लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है, और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट टाइप का आपको यहाँ पे बन जाता है। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे 3D टेक्स्ट मिल जाता है। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को 3D टाइप भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आपका टेक्स्ट और भी अच्छा दिखने लग जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको स्ट्रोक भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरह से हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे 3D टाइप में यहाँ पे आपका टेक्स्ट बन गया है। अब आपको यहाँ पे इसे सेव करना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और सबसे पहले इसे ट्रांसपेरेंट में कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और आपको PNG फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने कैमिस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे ये वाला रेशो सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमारा बस थोड़ा सा ही काम है, वो उसके बाद आपकी वीडियो बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ से वीडियो वाले पे क्लिक करना है, और मैंने आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस ड्रैगन वाले वीडियो को यहाँ पे लेकर आइएगा। इस वीडियो को लेकर आने के बाद मुझे यहाँ पे अपने टेक्स्ट को यहाँ पे जोड़ना होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको 6.4 सेकंड तक आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाएगा यहाँ से, और यहीं से हमें अपने वीडियो में टेक्स्ट लिखना होगा। तो इसके लिए आपको लेटर वाले पे क्लिक करना है, और आपको इसे मीडिया में जाकर यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट बनाया था पिक्सेल लैब ऐप से उसे यहाँ पे लेकर आना है। उसे लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे इसे बड़ा कर दीजिए कुछ इस टाइप से। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन दे देना है ताकि आपकी वीडियो और अच्छी दिखे। तो आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में चले जाना है, और यहाँ पे आपको पॉपुलर एनिमेशन दे देना है इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे जो भी पसंद आता है आपको स्लाइड राइट वाला देना है तो ये दे सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको एनिमेशन टाइप मिल जाते हैं, आपको जो भी पसंद आता है यहाँ पे आप वो दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं फाइनली प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो बहुत ही कमाल का यहाँ पे वीडियो बन गई है। अब मुझे इस वीडियो में साउंड को भी ऐड करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे साउंड को ऐड कर सकते हैं। चलिए जब तक लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब चलिए चलते हैं टिकटॉक ऐप में। अब आपको आ जाना है अपने टिकटॉक ऐप में, और मैंने आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसमें सबसे पहले जाइएगा ताकि आप उसी साउंड के साथ अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई और साउंड अपने वीडियो में यूज़ करना चाहें तो आपको बस सिंपली से उस वीडियो में आ जाना है। उस वीडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्रिएटर वाले पे क्लिक करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को पोस्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही कमाल के ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो बस ये लास्ट वीडियो में ये बताना था आपको कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।